सही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, सबसे पहले जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है, अब मैं शूट पर थी और मेरे पास फ़ोन नहीं था। ये मेरी दोस्त यास्मीन है, वो अपनी वीडियो स्नैप बना रही थी, तो उसकी बैक साइड पर मैं जो बात कर रही हूँ वो आप सुन सकते हैं कि वहाँ पर हमारी बहस हो रही थी। तो ये छोटा सा क्लिप मुझे मिला इनकी वीडियो के बाद। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मुझे ऐसा कुछ मिले, बस फ़ोन मेरा मेरे पास नहीं था क्योंकि वो कैमरामैन शूट कर रहा था उसके हाथ में था। सेकंड थिंग इज कि मैं इनकी प्लेस पर थी, इनके पास फुटेज होंगी सारी, ठीक है, मेरे पास नहीं होंगी। मैं इनकी प्लेस पर थी और मेरा फ़ोन भी साइड पर था, मैं शूट पर थी और वहाँ पर जितने सारे होंगे वो सारे इकट्ठे होंगे। अब वो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ हमारा ही गलत था स्टाफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो ट्रेंड कर रही है जिसमें सहरयात ने बताया था कि काशी सलोन में उन्हें हैरेस करने की पूरी कोशिश की गई थी। सहरयात का कहना था कि इनका स्टाफ बहुत ही गंदा है, जो कि बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। सहरयात के फेवर में तमाम तर फैंस आ चुके थे। ये सब देखते हुए अनम असलम भी मंजर-ए-आम पर आ गई और सीसीटीवी वीडियो जारी कर दी। अनम असलम का कहना था कि सहरयात काशी सलोन का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है और ये सरासर गलत हरकत है। सहरयात ने एक वीडियो जारी की है जिसमे उनकी दोस्त अपनी वीडियो बना रही है और पीछे से सहरयात नजर आ रही है और काशी सलोन के स्टाफ की आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसमें उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। सहरयात का कहना था कि अनम असलम ने मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की है, अगर वो इतनी ही सच्ची हैं तो वो बाकी सीसीटीवी वीडियो भी शेयर करे, जो कि वो नहीं शेयर कर रही हैं। अब मैं आप लोगों को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने लगी हूँ जो इनका स्टाफ है अल्फिया, उसके साथ मेरी कॉल पर बात हुई थी। ये लोग आपको बोल रही है कि हमारे साथ इसने कोई रब्ता नहीं किया है, कुछ नहीं किया। मैं आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, वो सुन लें, फिर उसके बाद करते हैं बात। सर, मैं अल्फा बात कर रही हूँ, काशी से। जी अल्फा। अच्छा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। क्या हुआ तुम्हारा? अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने बदतमीजी की? देखो अल्फा, मैं पहली दफा सैलून में नहीं आई थी, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले भी बहुत सैलून्स में आई हूँ। वहां पर एक लड़का था, पता नहीं उसका क्या नाम है, शायद उसका नाम है माज, ठीक है। उसने इतनी माज है शायद, पता नहीं क्या, इसको पता है, असाम को पता होगा। उसने इतनी पहले बदतमीजी से तू तरह करके उसने मेरे से बात की पहले, उसके बाद उसने मुझे हैरेस किया। मैं तुम्हें बात नहीं इस तरह बता सकती, उसने मुझे हैरेस किया, ठीक है। उसके बाद धमकियां लगाई है उसने लगाई धमकियां। असाम को बुला के कहता है, पता नहीं उसके असाम को क्या कहा, कि जाके अनु दस दे, तू नहीं दस सकता तो मनु दस, मैं अनु दस ना। इसको क्या लगता है भाई, ये केरी लड़की है, मेरे कोई पीछे बोलने वाला नहीं है, ये कोई तमीज थी? इसको बात करने की तमीज नहीं है? किसी लड़की से किस तरह बात करते हैं? ये मुझे वहां पे बैठ के हैरेस कर रहा है, धमकियां लगा रहे हैं, ये कोई तरीका है? ये आप लोगों की सर्विसेज है कि आप किसी के शहर में आके अपना काम शुरू करते हो और बाद में वहाँ की लड़कियों का हैरेस करवाते हो? अच्छा, तुम मुझे तो बताती। देखो, तुमने हमसे भी कंप्लेन हुई, ये बताओ। देखो, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, वो लड़का मुझे हैरेस कर रहा है, मैं नीचे से वहाँ से चली गई हूँ कि वो लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं वहाँ पे चुप, मैं चार बंदों में क्या बताऊँ कि भाई वो मुझे हैरेस कर रहे हैं? मैं वहाँ पे उसको कह रही थी कि मैं वहाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं वहाँ जाकर स्टोरी लगाऊंगी, तो आगे से शाम कहता है कि हमारा कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। व्हाट द फक इज दिस, कि हमारा कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता? असाम ने तुम्हें बोला है? असाम ने बोला है, असाम से पूछ लो। अच्छा, वही तुम्हें पता है, हालांकि मैंने शूट का काशिफी को बताया पर्सनली ना, मैं तुम्हारे शूट को पता है, जो शूट करती हूँ बताती हूँ, देखती हूँ, तो उन्होंने मैंने वीडियो सेंड की तुम्हारी ना टिकटॉक से, जो भी है, और जो मैंने डाली वो भी की, तो मैं सबके साथ बहुत ज्यादा नाइस थी, मैं सबके साथ नाइस रहती हूँ। और फिर मेरी बात सुनो, मैं आप सबके साथ ज्यादा बात नहीं करूंगी, परेशान हो गए मेरे घर। हेलो, मैं मेरी सुन लो बात, मैं आप सबके साथ नाइस थी, मैं सबके साथ ही नाइस होती हूँ। मैं और भी सैलॉन्स में गई हूँ, मेरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पहला सुना था क्योंकि यहाँ पर लड़के भी थे और सारे इकट्ठे और इंतहा के बदतमीज, और वो वहाँ बैठ के मुझे हैरेस कर रहे हैं, वो जो मुझे बातें कर रहे हैं। मैं तो भाई लीगल एक्शन लूंगी, सीधी साफ बात, मैं नहीं बख्शूंगी। मैं एक लड़की हूँ, मेरी इज्जत पर बात कैसे, उसने मुझे हैरेस कैसे किया? और मैं सबको कोर्ट में मिलूंगी और मैं ये हरकत करूंगी अब, क्योंकि मुझे वहां से मैं किस तरह निकली हूँ मुझे पता है। इनको क्या लगा इन लड़कों को कि लड़की अकेली आई हुई है, इसके साथ कोई लड़का नहीं है, ठीक है। वो तो मेरी मामा आ गई उधर, मेरी माँ बीमार, ठीक है, तो मैं वहां पर भी मैं चुप हो गई कि मेरी माँ आ गई, मेरी माँ बीमार है, बीपी की वो मरीज है, मैं वहां पर चुप हो गई। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि मेरे साथ बदतमीजी की जाए। उनको लगा सहर यार कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ बोलेगी नहीं, वो कुछ करेगी नहीं, वो एक्शन नहीं लेगी, बेवकूफ है, इनको पता नहीं इन्होंने पाला किससे लिया। तुम
कम से कम मुझे तो बताती ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई बात बात हुई है ना, तुम डिस्कस तो करती, कहीं उसने मजाक में ना बोलती हूँ ऐसा। मजाक वो मेरा क्या लगता है, वो मुझसे मजाक करेगा? मेरे साथ मेरे साथ मजाक करने की इजाजत असाम को भी नहीं है। वो थर्ड पर्सन कौन होता है आकर मुझसे मजाक करेगा? मैं तो शाम को जल्दी देती हूँ, मुझे तुम कर बात करो, मुझे आप कह के वो मुझसे बात करे, ये कौन होता है? इसलिए नहीं कि मैं सहर हयात हूँ, इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ और मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये तो है, लेकिन ये रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, वो बात सही है। चलो मुझे ये था कि तुम तो इतने अच्छे से होकर गई हो सब कुछ, मैं तो खुद परेशान होगी इसके साथ किसने बदतमीजी की। मैंने कहा कि नहीं मैं बात करूँ, मतलब हमारी तरफ से कुछ होगी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। हालांकि तुम्हें तो हर चीज खाना पीना ये वो, मैंने कहा नहीं किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट तो उसके लिए सॉरी। खाना पीना इज्जत नहीं होती ना अर्फा, खाना पीना इज्जत नहीं होती, इंसान के साथ किस तरह बात करनी है ये आपको पता होना चाहिए। पूरा दिन खाना पीना ना देते, एक बजे से बुला के रात 12 बजे मुझे फ्री किया, मैं उसमें भी नहीं बोली। खाना पीना सब कुछ नहीं होता, आपको तमीज होनी चाहिए, आप बात किससे कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, और आप एक लड़की से बात कर रहे हो। मुझे बीच में कॉल आ रही है, एक मिनट। ओके सारी रिकॉर्डिंग आपने सुन ली है, मैसेज आपने देख लिए, वीडियो आपने देख ली है, फुटेज सारी इनके पास है, मेरे पास नहीं है। ये वही चीज़ लगाएंगे जिनमें इनका फ़ायदा है, वो चीज़ नहीं लगाएंगे जहाँ पे हमारी बहस। और बाजी आप जो कह रही हैं कि इसको सस्ती शोहरत के लिए इसने चीप हरकत की, तो मेरी बहन मुझे सस्ती शोहरत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप जो कह रही हैं दौलत लेकर इसने ये ऐसे किया, तो मुझे ये वीडियो बनाकर ना आपसे कोई दौलत मिली है ना किसी और से। और अगर आपको पता है, आपको लगता है कि मैंने किसी से दौलत ली, तो आपको ये भी पता होगा मैंने किससे लिया, आप उसका नाम भी बता दें फिर, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है। इन्होंने हमें कहा कि हमें पिक्चर्स नहीं चाहिए, हमें वीडियोस चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक्स बनाएं। और मैंने इनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई थी, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था इतनी वीडियोस तो मैं भी नहीं बनाती, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि इतनी वीडियोस बनाएं आप, हमें आपके टिकटॉक पर ही प्रमोशन चाहिए, इसलिए फिर वहां पर खड़ोगे भी हमने वीडियो बनाई, वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे। इनको सिर्फ वीडियो चाहिए थी, और इनके पास कैमरा जो था सिर्फ पिक्चर, और इनके पास फ़ोन था, एक कैमरा था जिसमें दो पिक्चर्स ली, उस लड़के ने हरास किया वो चला गया, उसके बाद इनके पास कैमरा नहीं था क्योंकि उसने तो हरास किया, सब बहस हुई वो चला गया, इनके पास कैमरा नहीं था, फिर ये फ़ोन से ही सारी पिक्चर्स वगैरह, या पिक्चर्स तो इन्होंने ली नहीं, खैर वीडियोस बनाते रहे कि हमें वीडियो बनानी है, हमें वीडियो चाहिए अपने पेज के लिए, अपने टिकटॉक के लिए हमें वीडियो चाहिए, वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे क्योंकि फुटेज मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक्सेस होती, मैं आपको ज़रूर दिखाती मैं आपको, मैंने आपको जितना आपको बता दिया। थैंक यू। ये तमाम तर बातें देखते हुए तो दोस्तों आप सबका क्या कहना है कि सहर हयात वाकई ही सच कह रही हैं या झूठ? तो दोस्तों सहर हयात तमाम गवाहों और सबूतों के साथ मंजर-ए-आम पर आई हैं। ये तमाम गवाह और सबूत देखने के बाद आप सबका क्या कहना है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।